इंडिया पाकिस्तान में आर पार की लड़ाई के बाद अब शांति के बादल छाते दिख रहे हैं। आतंकियों की सप्लाई करने वाला देश पाकिस्तान ने भारतीय कैदियों को छोड़कर बड़ा दिल दिखाने की कोशिश की, तो शांति का जवाब शांति देते हुए भारत सरकार ने भी पाकिस्तानी कैदियों को छोड़ा है। दोनों मुल्क इस बार जो ना गौर फिक्र करें, और अल्हम्दुलिल्लाह भी इमरान खान साहब वो भी चुस्त हैं और मोदी साहब भी चुस्त हैं, तो आपस में जो ना ये मतलब कुछ कमिटमेंट कर लें और इन मसाइल को हल करें, ताकि वो दोनों मुल्क आपस में जो ना वो राजीनामा से मतलब चलें। पाकिस्तान के 13 नागरिकों को कैद से रिहा कर दिया है। इन्हें अमृतसर के अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान को सौंपा गया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए लोगों ने कहा कि अगर भारत सरकार वीजा देगी तो वे फिर लीगल तरीके से भारत आना चाहेंगे। दोबारा आप यहाँ आना चाहेंगे? हाँ, दोबारा तो बिल्कुल आना चाहेंगे भाई। किस तरीके? लीगली बिल्कुल, आपके तारों के नीचे वाला को काम नहीं, या बिना वीजा के नहीं, या वीजा एक्सटेंड करवा के अच्छे लीगली तरीके से आएंगे। अगर यहाँ की गवर्नमेंट देगी तो जरूर आएंगे। भारत और पाकिस्तान में कई ऐसे कैदी हैं कि रिहाई की ताक में उनकी आंखें दर्द करने लगी हैं, जिसे लेकर इन लोगों ने दोनों देशों से अपील की है। क्या कहा सुनिए। हमारे को यही है, उम्मीद है जो पीछे पड़ा है मछुआरा वो भी जल्दी रिहा किया जाए, जो पाकिस्तान में भारत का वो भी रिहा किया जाए। घर जा रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम के बाद अपने माँ के साथ मिलेंगे करेंगे, और क्या इनसे अधिक क्या खुशी है, बच्चों से मिलेंगे। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तानी कैदियों को पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों की मौजूदगी में पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंपा है। रिहा किए गए 13 पाकिस्तानी कैदियों में से 4 मछुआरे हैं, जो छूटने के बाद खुशी खुशी अपने देश लौट गए।